आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार और विज्ञान के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे क्या कारण है। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। बताने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आया है वो जाएगा। नक्षत्रों के हिसाब से हमारी आयु भी निर्धारित है और इसे ही जीवन चक्र कहते हैं, जन्म चक्र कहते हैं। और जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार फिर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। खैर, वो मुद्दा हमारा इस वीडियो में का नहीं है। सूर्यास्त के बाद यदि मृत्यु हुई है तो सनातन धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से शव को जलाया नहीं जाता है। आजकल हालांकि लोग ज़्यादा नहीं मानते हैं, पर आज भी गांव वगैरह में बिल्कुल मानते हैं इस बात को। तो इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है और उसका जो दाह संस्कार है अगले दिन किया जाता है। शास्त्र ये कहता है कि यदि व्यक्ति को रात को ही जला दिया गया तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है और ऐसी आत्मा असुर, दानव या फिर पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। यह शास्त्र कह रहा है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल वगैरह में हुई है तो पंचक काल में भी शव को नहीं चलाया जाता, इंतजार किया जाता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ कुल खानदान में भी कुछ और लोग या 5 लोग की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो इसका तोड़ भी है कि आटे का, बेसन का एक कुश का शव बना दिया जाता है और उसे भी शव के साथ में दाह संस्कार कर दिया जाता है। कभी कभी इसलिए भी रखना पड़ता है कि पुत्र पुत्री आजकल सब बाहर रहते हैं, जब तक वो आ नहीं जाए तब तक उन्हें रखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि पुत्र और पुत्री जब अग्नि देते हैं, पुत्र या पुत्री, तभी मृतक को शांति मिलती है। अब हम मुख्य कारण पे आते हैं। तो मृत्यु के उपरांत परिजनों के इंतजार में अंतिम संस्कार में विलंब करना पड़ता है कभी कभी, तो वहाँ किसी ना किसी को रहना पड़ता है। तो वहाँ पे धूप बत्ती, अगरबत्ती सब जलाया जाता है और साफ सुथरे जगह पे रखा जाता है। बताया गया है कि शव के पास परिजनों के ना रहने पर मौजूद बुरी आत्माएँ उस जीव के पास आ जाती हैं, जो बाद में परिजनों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। ये भी बताया गया है कि जब जीव को उसके छोड़े हुए शरीर के पास परिजन नहीं मिलते हैं तो उन्हें कष्ट भी होता है। मृत्यु के बाद शव के अकेले रहने पर कई बार तांत्रिक तंत्र की क्रियाएं कर देते हैं, जिससे कि मृतक जीव के परिजनों को तरह तरह की परेशानियां होती है। तो ऐसे में रात के समय शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। विज्ञान का मत यह है कि कीड़े मकोड़े या चींटियां शव के पास आकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके देखभाल के लिए शव के पास रहना चाहिए। मतलब शव को यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां, अन्य कोई नर बच्ची रेंगने वाले प्राणी या पशु आकर शव को क्षति कर सकते हैं। और बाकी जो कारण है वो मैंने आपको बिल्कुल बताया है। और ये भी मैं बता दूँ कि हमारा शास्त्र ये भी कहता है कि जब तक शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है आत्मा का, साथ ही अपने परिजनों को भी देखता है। तो अकेला छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग तो गहरी नींद में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मृतिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ, ये भी फैक्ट है। अन्य कारण भी है, यह भी माना जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगते हैं। इसलिए उस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है और साफ सफाई किया जाता है और शव के आसपास की जगह को हमेशा साफ सुथरा ही रखा जाता है। भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। तो पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर
पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षियों में विचरण कर ऊपर उठती हैं और अंत को मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। और मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वो फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो फिर किसी अच्छी योनि में जन्म नहीं होगा और ये क्रम फिर चलता रहता है। अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता है या कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।